जय हिंद, आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। सैनिक कॉलोनी में मैं इस समय मौजूद हूं। यहां पर कुछ महिलाएं जो है वो इस समय यहां पर अपने अपने घरों से बाहर हैं, काफी ज्यादा परेशान हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या पूरा मामला है। मैंने अपनी लड़की को आंखों से देखा है, एक कोठी वाला बोल रहा था, मेरी लड़की ने बोला मम्मा मेरे को बचाओ, मेरी मम्मा मेरे को बचाओ, किसी ने मेरी बोली। क्या नाम है आपका और क्या पूरा मसला है आपका? मेरा राम कुमार नाम है। क्या बात हुई? अंजना के, अंजना नाम है लड़की का, उस लड़के का नाम है अनिल। तीन महीने से किडनैप किया है, बोला जा तुम विसंग है सब। हाँ, तीन महीने से किडनैप किया है वो। इसको मैंने लड़के की माँ को बोला कि तुम एक बार सामने हमारा बता दे बस। ये बोलती कि तेरी लड़की मर गई। मैं थाने में गई साहब, तल्ले चाटे मैंने उनके पुलिस वालों के। थाने वाले बोलते तेरी लड़की मर गई, तेरी लड़की मर गई। जब मैंने कल अचानक से लड़की को देखा घूमते घूमते पार्क में, तो लड़की मेरी सामने खड़ी थी, मेरे को देख मेरे को मम्मा करके बोली है, मम्मा मेरे को बचा ले, मैं कोठी में किडनैप थी तीन महीने। तब मैंने बोला मम्मा मम्मी आजा मेरी बेटी, आजा मेरी बेटी। कोठी वाले ने वो लड़की ने हाथ, उसने कोठी वाले ने उसकी लेडीज उसी ने घर वाली ने उसका हाथ पकड़ा अंदर ले गए छुपा कर। मैं उस अलमूर पटक पटक कर रोती रही, कोई कार्रवाई। पुलिस आई, मेरे को उसने डांटा है, साली तेरे को मारेंगे, तेरे ऊपर पुलिस चढ़वाएंगे, लेडीज पुलिस चढ़वाएंगे, ये करवाएंगे। मैं उधर मुंह पटकती रही, आंटी मेरी लड़की को बता दो, आंटी मेरी लड़की को बता दो। किसी ने नहीं बताया। कोर्ट में पुलिस वाले बोलते थे हमारी बस की बाहर बात है, तू ढूंढ ले खुद अपनी लड़की को। मैंने कोई पुलिस कंप्लेंट? हाँ जी, इधर है गाँव में भी, इधर सैनिक कॉलोनी में, सैनिक कॉलोनी थाने और छन्नी के थाने में, दोनों थाने में है। कितनी देर पहले कंप्लेंट कराई थी आपने? तीन महीने हो गया जी। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही थी कि हमको पता नहीं है कोई कार्रवाई, हमको भगा दे देते बस, हमको भगा, चलो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी लड़की मर गई है। मैंने कहा साहब मेरी लड़की मर गई तो मेरे को बॉडी दे दो जलाने के लिए। आपकी बेटी, आपको आपको कैसे पता चला कि वो किसी के साथ वो मतलब भाग गई है? उसी की माँ ने मेरे को बताया सुबह कि मेरा लड़का अनिल नाम का लड़का मेरा लड़का लेके गया है और मैंने 1000 रुपए दिए तो कंप्लेन नहीं करवाना। तब मैंने कही कि तुम मेरी लड़की को सामने कर दे। इसने लियाकर गांव से इधर इसके सिरदार की कोठी में बंद कर दिया। बस साहब मैं ढूंढती रही फिरती रही, कल मेरे को अचानक से लड़की मिल गई। तो आप बताओ साहब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरे को बताओ। अभी मैंने चौकी में है, अभी पुलिस वाले खुद पकड़ के ले गए। कहां पर अभी? अभी चौकी में, रात में पुलिस ले गई थी पकड़ के। लेडीज पुलिस नहीं आई, पुलिस वालों ने पकड़ मेरी लड़की को अंदर कर ले गया था। हाँ, वो हमको भगा रहे थे कि नहीं नहीं सुबह मिलना लड़की से, तुम दफा हो उधर से, दफा हो। कुंदी नहीं खोली हुई थी, बोल रही थी निकलो इधर कोई नहीं है, तो बोल रहे थे सारे, बोल रहे थे कि क्या करना इधर कोई बात नहीं है, सब निकलो बाहर जाओ, ऐसे बोल रहे थे। तो हम निकले आए बाहर में बात करते रहे, हमने बोला जी गई कैसी घर से, बोल रही थी कोई बात नहीं ऐसे ही गए थे, पैसे दिए थे माँ बाप ने तो चले गए थे, बस ऐसा हुआ। तो वो बस वो बोलती था कोई नहीं चले आओ बाहर, हम नहीं है कोई नहीं। प्लस वाले को हंस हंस के भगा दिया, साले हरो भगो, कोई सुनाई नहीं करना है, अभी कोई सुनाई नहीं होगा, इधर हमारे पास नहीं है, घर ऐसे कहते रहे सर, हमारी कोई सुनाई नहीं किया। हाँ, हमारी कोई सुनाई नहीं किया सर, इतना हमने सभी सुनाई किया, प्लस वाले ने कोई सुनाई नहीं हमारी। तो काफी गंभीर मामला जो है वो जम्मू के सैनिक कॉलोनी से सामने आया। यहाँ पर तमाम लोग जो अपने घरों से बाहर आए और इनका ये कहना है कि इनकी बेटी जो है वो उनको कोई किडनैप करके ले गया है। हाँ जी, कोई पता नहीं चला, बोलो तुम बोलो। हाँ जी, कोई पता नहीं चला, पहचान पुलिस वालों से तो सर बताओ। इसने आपकी बेटी को पकड़ लिया है ना? हाँ, पकड़ लिया। हम लोगों ने देखा जब ही पकड़ लिया, कल मैंने अपनी कोठी से पकड़ा और मेरे को गालियां दे रही थी आंटी कि दबाओ साली तेरे ऊपर कुत्ते चढ़ा दूंगी मैं। हाँ, और मालिक की बेटी है, तेरी लड़की नहीं है। जब वो लड़की को निकाला, सामने लड़की को सामने देख रहे थे उधर। मैं था उधर, मैंने बोला तो अंकल जी बोले नहीं ये मालिक की बीबी है। हाँ। तो मैंने कहा मालिक बीबी तो मेरे को दिखा दो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। हाँ? बोलते नहीं मालिक बीबी तू दफा हो इधर से। तो मैं चला गया इनको बुलाने के लिए। मैंने कहा उधर मैं रोती रही साहब, उधर मुड़ पटकती रही। नाम कब उनको पता नहीं है, नहीं कोठी वाले का नाम नहीं, सरदार सरदार जी है, उनको पता नहीं है, पहली बार गया था उनकी कोठी पे। हाँ, सैनिक कॉलोनी सेक्टर में है वो। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं साहब उसको बेटी चाहती हूँ। और दूसरी बात है, वो थाने से आती थी ना जब, तो उसके दूसरे भाई ने मेरी दूसरी लड़की को छेड़ाबाजी किया, तो मैं गई रोती रही। मैंने कि साहब मेरा कौन इंसाफ किया, ये लड़की मेरा इंसाफ किया,
करो, तो ये बोल रहे थे क्योंकि वो इसलिए तो ये बोल रहे थे कि तेरी अभी बड़ी बेटी उठाई। हाँ अभी तो एक बेटी उठाई, तू जाना करेगी तू दूसरी लड़की पकड़वाऊंगी कल के दिन, फिर दूसरी को पकड़े। ये थोड़ी ना उन्हीं का बार थोड़ी ना चलेगा, दूसरे का भी तो चलेगा। आज एक एक लड़की को लेकर गई, उस लड़की का भी उसने हाथ पकड़ा इधर दुकानों वालों के सामने पकड़ा, ऊपर से डंडा लेकर आया मारने के लिए। पुलिस वाले हमारी लड़की की लड़की लेकर ऊपर से डंडा लेकर भी आएगी मारने के लिए खड़े उधर। तो देख सकते हैं जम्मू के सैनिक कॉलोनी से समय की तस्वीरें, यहाँ पर ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इनका ये कहना है कि एक इनकी लड़की को जो है वो कोई व्यक्ति जम्मू का रहने वाला है वो उसे किडनैप करके ले जाता है, और जिसके बाद पुलिस में जब कंप्लेंट कराई जाती है तो उसके बाद पुलिस ने जो है वो उस लड़की को पकड़ लिया है, और अभी फिलहाल इनका ये कहना है कि उसे पुलिस चौकी में यहां पर रखा गया है और अब आगे की जांच की जा रही है। लेकिन काफी गंभीर आरोप यहां पर जो है वो पुलिस पर भी जो है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप जनता इस पर अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि आखिरकार ये जम्मू में क्या हो रहा है। जिस तरह से इनका ये कहना है कि एक व्यक्ति जो कि इनकी बेटी को जो है वो बड़ी बेटी को तो वो किडनैप करके ले जाता है, लेकिन दूसरी बेटी को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जो छोटी बेटी है उसके साथ भी छेड़छाड़ कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर की जाती है, और पुलिस पर ये कहा जा रहा है कि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। हालांकि पुलिस की माने तो पुलिस ने जो है वो एक उस लड़की को जो है वो जो किडनैप हुई थी उसे बरामद करके अब आगे की जाँच जो है वो करना शुरू कर दी है। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। जम्मू के सैनिक कॉलोनी से ये पूरी मामला है, यहाँ पर लड़की से जुड़ा ये पूरा मामला है, और फिलहाल इन जो लड़की के परिवार वाले हैं उन्होंने अपनी बात आप लोगों तक रखी है, और आप अपनी राय इस पर जरूर साझा कर देखते हैं। जम्मू ट्रिब्यून, जय हिंद जय भारत।